नमस्कार, आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गोपालगंज बिहार से ब्यूरो चीफ बिट्टू यादव की बड़ी खबर, तो बने रहिए हमारे खबरों के साथ। अपने आसपास की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, आरवी न्यूज लाइव से मैं बिट्टू कुमार। आज हम जनपद गोपालगंज प्रखंड थावे में मौजूद है और आइए यहाँ के मुखिया जी से जानते हैं कि विकास के लेकर क्या क्या समस्या आती है। सर, आपका नाम? सिडली लुंगमानी, ग्राम पंचायत जनमलवा के मुखिया, थावे प्रखंड, जिला गोपालगंज का मैं रहने वाला हूँ। मुखिया जी, जैसे कि यहाँ पे जब चुनाव हुआ और उसमें आप मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुए और जीत भी हासिल किए। सर, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जीत की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुखिया पद का लड़ने का सर उद्देश्य क्या था? हमको मुखिया पद लड़ने का उद्देश्य ये था, इस उम्र में मैं मुखिया के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे लड़ने का मतलब था कि ये मुखिया इतना दिन से जीत रहा है, सब यहाँ काम क्यों नहीं होता है, एक्चुअली पंचायत डेवलप क्यों नहीं करता है। लेकिन जीत के आने के बाद समझ में आया कि आखिर सिर्फ मुखिया की गलती नहीं है, इसमें जो है संस्था की भी गलती है, या आपको क्या कहते हैं मंत्रालय की गलती है, सबको मिली जुली मिला करके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मनरेगा का टोटल सप्लाई जो है बिहार गवर्नमेंट जो है दे दिया है किसी बिचवलिया को, अब बिचवलिया अपने मनमानी सप्लाई करता है, और जब मनमानी सप्लाई करता है तो वृक्ष लगता नहीं है, और जब वो वृक्ष नहीं लगता है तो फिर जो पोषक है उसके पेमेंट में दिक्कत होती है। आ गवर्नमेंट का मंशा है कि अगर लगे वो तो छांव हो, प्रदूषण बढ़िया का इंतजाम हो, लोग लकड़ी का उससे अपना काम चलावें, और पौधा जब जवान हो तो सरकार को बेनिफिट हो, ये उद्देश्य। लेकिन उद्देश्य पर पानी फिर जाता है बिचवलिया के वजह से, वो 6 इंच से लेके 1 फीट तक का पौधा देता है, 1 रुपये से 2 रुपये तक का पौधा सप्लाई करता है, और उसी तरह का बांस का चेचरा सप्लाई करता है, आके वो चेचरा लगा रहता है, अब बकरी जो है उसको काट देती है। ये जितना भी ये जो फेल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बिचवरिया के वजह से फेल कर रहा है, वरना गवर्नमेंट के रूल लगा देंगे जिस मुखिया को इतना हम पौधा देंगे या इतना पैसा देंगे तो हम 80% उससे रिकवरी लेंगे, आ नहीं तो मुखिया अपने घर से देगा। ऐसा अगर प्रावधान हो तो इसमें बिचवलिया की जरूरत नहीं और 100% जो है पंचायत का विकास होगा 100% विकास होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये कहीं ना कहीं सप्लायर लगा हुआ है उसमें, अब वो सप्लायर अब मंत्री सप्लाई लेते हैं कि बड़े अफसर लेते हैं, अब आई डोंट नो। और लेकर के इस पर सोचना चाहिए कि फिर जो वो अपने जनप्रतिनिधि जो अपने रखे हैं वो काहे के लिए है, उससे काम करावें, अगर काम फेल होता है तो उससे वो सुधी करें। उसी तरह से ये कैसे काम हो रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही। पंचायत मिनिस्टर इसके पहले जो थे उन्होंने कहा कि जो मुखिया को आर्म्स की जरूरत है उसको दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिसको आवश्यकता है उसको आर्म्स दी जाएगी। हम पर धमकी मिला, हमसे जो है एथी मांगा गया, फिरौती मांगा गया, हमको गोली मारने को कहा गया, हमने FIR किया, FIR करके सबको लेटर दिया, उसके बाद से जो है DM हमको लेटर दिए क्या कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है मुजरिम को पकड़ रहे हैं। हम अपने आर्म्स के लिए DM के यहाँ गए तो कहे कि आर्म्स तो अभी नहीं हो सकता है, आप एथी ले लीजिए, क्या कहते हैं कि गार्ड ले लीजिए, और गार्ड लीजिए पेमेंट पर। हम कहाँ से पेमेंट देंगे गार्ड का, हम रखेंगे कहाँ गार्ड को, हमारे रहने का घर नहीं है, हम गार्ड कहाँ रखेंगे, हमको खाने का नहीं है, हम गार्ड को कहाँ खिलाएंगे, कहाँ से पेमेंट देंगे हम गार्ड को।
ये कथनी और करनी में जमीन और आसमान का डिफरेंस है, और मुख्यमंत्री के बात को डीएम नहीं सुन रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री ने कहा, और पेपर मेरे पास है, कटिंग है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको आर्म्स दिया जाएगा। जब हमने FIR किया है, हम पर फिरौती का ही हुआ, हम पर टेलीफोन पर जान मारने की धमकी दी गई, हमने मोबाइल नंबर दिया, वो रिकॉर्ड दिया जो उसने बोला है, वो रिकॉर्ड भी जमा किया, और उसके बाद SSP को भी दिया, DSP को भी दिया, थानेदार को भी दिया, FIR हुआ, कलेक्टर को भी दिया, पंचायत मिनिस्टर को भी दिया, कलेक्टर हमसे लिख के भी चिट्ठी भी दिया कि ठीक है इस काम को हम लोग कर रहे हैं, हम गए आर्म्स के लिए तो हमको कह रहे हैं कि आर्म्स तो नहीं होगा, गार्ड ले लीजिए पेमेंट पर। कहाँ से गार्ड लगे हम पेमेंट पर? पेमेंट कौन देगा, कहाँ से देंगे? ये हालात है बिहार के पदाधिकारी और मिनिस्टर सरकार दोनों का मेल नहीं। सरकार कुछ कहती है, पदाधिकारी कुछ। पता ना सरकार से बाहर है पदाधिकारी या पदाधिकारी भारी है सरकार से, ये बात समझ में नहीं आ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।